बड़ी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ये जो दिनांक 16 तारीख को घटित हुई पालघर के थाना कांसा क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ चिचले नाम के गांव के पास हमारे दो जूना अखाड़े के साधु जो कि जोगेश्वरी मुंबई से 70 साल की अवस्था कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज और 35 साल के सुशील गिरिजी महाराज और साथ में एक ड्राइवर, और जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस और पूर्ण रूप से लॉकडाउन, उस बीच में महाराज श्री के बड़े गुरु महाराज शरीर छोड़ जाते हैं सूरत, उनकी समाधि के लिए एकाएक इनको जाना पड़ता है। लॉकडाउन के कारण एकाएक रात को 9:30 बजे 200-250 की भीड़ कहां से आ गई, और कासा थाना के ऑन द स्पॉट मुलाजिम कर्मचारी प्रशासन वाले, आप सबने वीडियो देखा, देखिए वो पुलिस वाले कैसे साधु को पब्लिक के बीच में छोड़ के जा रहे। अरे भाई साहब, आप लोगों से एक बात, एक अनुरोध है मेरा कि अगर आपसे ये जिम्मेदारियां उठाई नहीं ना जाती तो ये यूनिफॉर्में उतार दो और अपने घर बैठ जाएं आप। प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी रहती है सबकी। भाई साहब, आप सब लोग आजू बाजू में खड़े थे पर किसी ने भी उन साधुओं को बचाने की कोई भी वो प्रयास नहीं किया। तो अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा डरपोक हो, आप कमजोर हो, तो आप क्यों वर्दियां डाल के खड़े हो गए जाके चौकों में? उतार दो ये यूनिफॉर्म, उन लोगों को दे दो जो इनके सही ढंग से पैरवाई कर सकें। बाकी बहुत कुछ ज्यादा ना बोलते हुए, जैसा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज नरेंद्र गिरी महाराज जी ने बोला है कि आफ्टर लॉकडाउन के उपरांत अगर सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार कोई भी उचित कार्रवाई या उचित कदम नहीं उठाते तो 3 तारीख को सब नागा साधुओं को महाराष्ट्र घेरने का, सरकार घेरने का आदेश मिल चुका है। तो सभी सरकारी ऑफिसरों से, सरकारी कर्मचारियों से, सरकार से अनुरोध है कि आप जो ये निर्मम हत्या हुई है दोनों साधुओं की प्लस बीच में ड्राइवर की, आप देखें उचित से उचित कार्रवाई जो इसके पक्ष में करे, नहीं तो परिणाम बहुत खराब आएंगे। तो महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने, मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं इसकी जांच की जानी चाहिए। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जुगना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके, 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे।